तो सुबह के बज रहे हैं 10 और आज भाई इतना सुकून मिल रहा है ना, इतना सुकून मिल रहा है, मैं क्या ही बताऊँ क्या सुकून मिल रहा है। तो किस चीज़ का सुकून मिल रहा है ये मैं आप लोग को बाहर जाके बताता हूँ। भाई इतना सुकून मिलेगा आप लोग को भी सुकून मिलेगा। ये देखो ये है भाई आज का सुकून। ये अबे शिनचैन अच्छे से साफ कर, एक भी दाग दिखाई दिया ना गाड़ी पर देख लेना तो फिर आज तक तूने कुछ भी काम नहीं किया है। ये काम तो पूरा अच्छे से करना चाहिए। गाड़ी ऐसी चमकाना भाई उसमें मेरा मुँह दिखना चाहिए, समझा क्या? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, कर रहे हो ना, मैं इतना क्या जोर से बोल रहे हैं और इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ ना, मैं अच्छे से गाड़ी साफ करूँगा, एक भी दाग नहीं दिखेगा गाड़ी के ऊपर, इतना गाड़ी साफ करूँगा। बट याद रखना, ये गाड़ी अगर मैंने अच्छे से साफ कर दी तो आपने मुझे प्रॉमिस किया था, याद है ना क्या प्रॉमिस किया था? अबे हाँ याद है मुझे, टेंशन मत ले, मैंने प्रॉमिस किया बट गाड़ी पे मुझे एक भी दाग नहीं दिखाई देना चाहिए, तभी मैं तेरा प्रॉमिस पूरा करूंगा। वैसे तेरा प्रॉमिस यही था ना कि तुझे एक आरसी टॉय चाहिए, तो भाई मैं तुझे दिला दूंगा, सबसे बढ़िया आरसी टॉय मैं तुझे दिलाऊंगा। बट भाई गाड़ी के ऊपर एक भी दाग निकला और भाई साफ करते हुए एक भी स्क्रैच गाड़ी के ऊपर पड़ गया ना, तो तू ध्यान में रख तेरा मैं क्या हाल करने वाला हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया, आरसी टॉय के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना, तो इतना तो भरोसा रखो मेरे ऊपर कि मैं कर लूंगा। बट ये लेमर भैया क्या कर रहे हैं हमारे घर पे? अबे लेमर क्या करने आए तू इधर, फिर से कोई बिजनेस आइडिया लेके आएगा ना भाई? तुम्हें मैं तेरे को इतना पीटूंगा ना, तू इधर से निकल जा भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, फिर से निकल जा तू इधर से। पर पिछले 2-3 बार मैंने आप लोग को याद होगा हम लोगों ने FIB वालों को रेंट पे घर दिया था, फिर हमने पुलिस वालों को घर दिया, फिर हम लोगों ने यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह डाला, तो भाई जितनी अर्निंग ने उससे ज़्यादा तो हमारा लॉस हो गया। भाई तू इधर से निकल जा, मेरे पीछे पीछे मत आ। अबे निकलना यार यहाँ से, निकल, तुझे बोला ना मैं निकल जाए यहाँ से। अबे तू बस मेरे साथ चल एक लोकेशन पर, तुझे मैं वहाँ पर जाके दिखाता हूँ ना भाई क्या मुसीबत आ गई है और तेरे लिए मैं क्या आइडिया लेके आया हूँ। अच्छा ठीक है चल बैठ गाड़ी के अंदर बैठ, चल फटाफट से चल, कहाँ पे जाना है मेरे को बोल, वहाँ पे चलते हैं हम लोग। और भाई अगर मेरे को पसंद नहीं आता तू मेरे को प्रॉमिस कर तू मेरे से बार बार वो चीज़ नहीं बोलेगा, ठीक है ना? तो भाई मैं तो अभी ये पता नहीं कहाँ पे मुझे लेके जा रहा है, बट मैं लमर और शिनचैन हम तीनों की दिनें जा रहे हैं इसके साथ। बट ये कहाँ पे लेके जाएगा ये तो मुझे भी नहीं पता, बस ये मुझे लोकेशन बोलने वाला है कि इधर जाना है उधर जाना है, उसके हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। भाई वैसे शिनचैन क्या लगता है तुझे ये कहाँ पे लेके जाएगा हमको? इंग्लैंड भैया ये ना इसका कोई ना कोई बिजनेस सड़ो बिजनेस आइडिया लेके आया होगा, इसलिए हम लोग को लेके जा रहा है ये। बट भैया ये इस पे ना भरोसा मत रखना, क्योंकि ये ना हम लोगों को लॉस करवाएगा, ये ना खुद पैसे कमा लेता है बट लॉस में हम चले जाते हैं ना। हाँ तू तो ठीक ही कह रहा है, वैसे हम लोग ही लॉस में चले जाते हैं भाई, पिछले 2-3 बार जो हम लोगों ने बिजनेस किया ना भाई बहुत ही गंदा वाला हम लोग को लॉस हुआ यहाँ पे, बहुत ही गंदा वाला भाई, जितने पैसे कमाए नहीं उतने तो लॉस में चले गए भाई, कम से कम हम लोगों ने लगभग 40-50 करोड़ के ऊपर तो कमाए होंगे, तो भाई 80 करोड़ के तो हम लोगों ने लॉस उठा लिया, मतलब 50 करोड़ आए और 30 करोड़ का तो लॉस उठा लिया, घर का रिपेयरिंग पेंटिंग डेंटिंग भाई क्या क्या नहीं करना पड़ा। वैसे भाई तू जाना कहाँ है वो मुझे बस बता, सही तो जा रहे हैं ना हम लोग? अच्छा ठीक है, और कितना दूर है? लॉस सैंटोस के बारे अब पागल हो गया कि तू पहले नहीं बोल सकता यार, बहुत सारे काम पड़े। और ये शिनचैन को मैंने गाड़ी साफ करने के लिए दिया था भाई, शिनचैन देख ले तू ही देख ले भाई, तेरे हिसाब से तो अभी देख ले, मैं तेरे को आरसी टॉय तो नहीं दिलाने वाला। अरे फ्रैंकलिन भैया ऐसे मत करो, मैंने तो गाड़ी साफ करके दी है ना तुम्हें, तो वो उतना तो बनता है यार, आरसी टॉय तो मुझे चाहिए आज के आज ही चाहिए। अच्छा ठीक है दिलाऊंगा, बट ये कहाँ पे भाई, ये क्या लोकेशन है भाई, और ये सामने धुआं क्यों उठ रहा है यहाँ पे? अबे लमार ये क्या है, अबे तू कहाँ पे लेके आया हम लोग को यहाँ पे? अबे एक मिनट ये लोग कौन भाग रहे हैं? अबे ये तो प्रिजनर्स है भाई, ये प्रिजनर्स क्यों भाग रहे हैं यहाँ से? अरे फ्रैंकलिन भैया इनको छोड़ो मत, गाड़ी चढ़ाओ इनके ऊपर, गाड़ी चढ़ाओ, ये भागेंगे तो भाई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा लॉस सैंटोस के अंदर, आतंक मचा देंगे, इसके ऊपर गाड़ी चलाओ। अरे हाँ रुक जाना, गाड़ी चला रहा हूँ ना मैं, बात मत कर वैसे तो ये। अबे लमार ये क्या चीज़ है यार, ये क्या 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 लेके आया तू, मुझे यहाँ पे क्यों लेके आया यार? अबे एक मिनट ये पहले इनको रोक दो भाई, इनको रोकना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर भाग गए ना तो भाई मतलब सच में लॉस सैंटोस के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही मच जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक मुजरिम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बट भाई ये तो गाड़ी भी चला रहा हूँ मैं इनके ऊपर भी, फिर भी ये गिर क्यों नहीं रहे यार, गाड़ी चला रहा हूँ फिर भी उठ जा रहे हैं यार, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? और ये भाई
प्रिजन के अंदर की आग लगी, इतना सारा धुआं की उठ रहा है यहाँ पे। अबे फ्रैंकलिन, तुझे इसीलिए तो मैं लेके आया यहाँ पे भाई। प्रिजन में बहुत बड़ी आग लग चुकी है और यहाँ पे सारे प्रिजनर्स भाग रहे हैं भाई। तो ये पुलिस वालों को एक घर चाहिए जो रेंट पे दे सकता है। अब मेरे को पता था तू यही मेरे को बोलेगा, बट पहले रुक जा, इनको मैं सीधा कर देता हूँ भाई। मैं तो नहीं देने वाला घर रेंट पे। अरे यार, अरे सर ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? कैसे आग लगे प्रिजन के अंदर और ये इतने सारे मुजरिम भाग रहे हैं प्रिजन के अंदर से? तो भाई आप लोग करके रहे, क्या बात कर रहे हैं? और 500 के ऊपर प्रिजनर भाग गए। अरे भाई इधर ने तो पुलिस वाले भी नहीं यहाँ पे प्रिजन के अंदर, बट 500 भाग गए। तो अच्छा किया भाई, इनको तो हम लोगों ने पकड़ दिया। वैसे ये कह रहा है रेंट पे चाहिए, तो भाई अभी तो लॉस सेंटर्स की प्राइड की बात आ गई यहाँ पे, तो भाई मैं दे सकता हूँ यार अभी। हाँ तो सर क्या बात है, वो घर रेंट पे चाहिए जहाँ पे प्रिजन्स वगैरह बना सकते? तो अच्छा, ऑलरेडी आप लोगों ने 10 घर रेंट पे ले लिए और आपको और 2-3 घर रेंट पे चाहिए? तो सर मेरा घर है, मेरा बहुत बड़ा घर है। तो कहा ये बात किसके साथ मुझे करनी होगी? अच्छा भाई ये कह रहे हैं पुलिस स्टेशन जाना होगा लॉस सेंटर्स के अंदर। चल भाई लवार फटाफट गाड़ी के अंदर बैठ जा। शिनचैन तू भी आ जा गाड़ी के अंदर बैठ जा, हम लोग चलते हैं भाई पुलिस स्टेशन जो हमारे लॉस सेंटर्स के अंदर है, वहाँ पे जाके हम लोग बात कर लेते हैं क्या है क्या नहीं। बट भाई यहाँ पे सच में मतलब हमारे लॉस सेंटर्स की प्राइड की बात आ चुकी है, क्योंकि यार ये प्रिजनर्स भाग गए तो भाई पूरे लॉस सेंटर्स में तबाही मच जाएगी भाई। जितना सुकून हमारे लॉस सेंटर्स में अभी के वक्त है भाई, ये अगर सारे के सारे प्रिजनर्स यहाँ पे लॉस सेंटर्स के अंदर आ गए तो भाई मतलब जो सुकून अभी लॉस सेंटर्स के अंदर है वो सारा का सारा चला जाएगा और भाई तबाही होगी। कोई भी घर के अंदर सेफ नहीं रहेगा, कोई भी लॉस सेंटर्स के अंदर सेफ नहीं रहेगा। एनी बिट प्रिंगलिन भैया, आप तो मना कर रहे थे ना कि घर रेंट पे नहीं देना है हम लोग को। अबे शिनचैन यहाँ पे भाई लॉस सेंटर्स की बात हो रही है और तुझे तो पता है मैं लॉस सेंटर्स से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। एनी है फ्रैंकलिन भैया, वो तो मैं भी करता हूँ, तो कोई बात नहीं, दे देती है हमारा घर रेंट पे हम लोग। और बट भाई फ्रैंकलिन भैया अच्छा खासा रेंट मांगना ताकि पैसे भी अच्छे खासे मिल जाए। अबे हाँ, तो पहले पुलिस स्टेशन तो मुझे जाने दे, फिर देखेंगे ना। और हाँ फ्रैंकलिन भैया, वो मेरी आरसी कार का मतलब आरसी टॉयज का क्या हुआ? अरे दिलाऊंगा ना, पहले ये कुछ प्रॉब्लम है ये तो मुझे सॉर्ट आउट करने दे, उसके बाद हम लोग आरसी टॉय लेने चलेंगे भाई। एक नहीं तुझे दो दिला दूंगा। अरे वाह वाह वाह, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे लवर तेरी वजह से मुझे 2 गाड़ियाँ मिलेंगी। अब ठीक है, बट तू पहले यहाँ पे तो चल पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे जाके बात करते हैं भाई, हम लोग को ये लॉस सेंटर्स का मैटर सॉर्ट आउट करना है। अरे हाँ भाई वो तो है, बट वैसे 2 मिनट के डिस्टेंस पे पुलिस स्टेशन बाकी। बट भाई तेरी ये गाड़ी इतनी क्या बकवास है यार, भागती क्यों नहीं है? कितना टाइम लग गया यार यहाँ तक पहुँचने के लिए लॉस सेंटर से बाहर यार? अभी तक तो अब ब्रेक भी नहीं लगता यार तेरी गाड़ी का भाई। सर्विसिंग वर्विसिंग करवाता है नहीं वो? सीमोन के पास जा, मैं पैसे दे दूंगा भाई, कुछ नहीं ज़्यादा नहीं करेगा वो, थोड़ी सी सर्विसिंग करेगा। बट हम लोग को अभी पुलिस स्टेशन के अंदर जाना है। इससे पूछूं क्या मैं, इससे पता होगा? हेलो सर, वो घर रेंट पे चाहिए था आप लोग को प्रिजन के लिए? अच्छा अंदर जाके बात करनी है? ओ भाई चलो भाई अंदर जाके बात करते हैं, अंदर जाके सारी अच्छे से बात कर लेते हैं और कितना रेंट है क्या है वो हम लोग उस हिसाब से बात कर लेंगे यार। तो आ गए हम लोग अंदर। वैसे हेलो सर, वो मैंने सुना है कि आप लोग को घर रेंट पे चाहिए था वो प्रिजन के लिए, ऐसा मैंने सुना है, तो क्या सही बात ही है? हाँ सही बात है। वैसे तुम कौन हो? सर मैं फ्रैंकलिन क्लिंटन, वो माउंटेन के ऊपर जो घर से ना जो सोसाइटीज़ है वहाँ पे रहता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तो तेरा घर के लोकेशन अच्छा है क्या? हाँ सर बहुत अच्छा लोकेशन है, अगर आप सामने देखोगे तो तालाब है, पीछे देखोगे तो सिटी है, बगल में देखोगे तो घर है, और उसके बगल में देखोगे तो भाई वहाँ पे मूवीज थिएटर होटल्स रेस्टोरेंट उसके बाद क्या क्या है बहुत सारी चीज़ें सर। वैसे आपको कितने दिन के लिए चाहिए? अच्छा 1 महीने के लिए चाहिए, ओके। तो सर वो रेंट वगैरह की बात कर लेते हम लोग। अच्छा तो भाई तेरा घर का लोकेशन तो मुझे बढ़िया लगा। वैसे हम लोग एक बंदा भेजेंगे, वो चेक कर लेगा और यहाँ पे पूरा का पूरा 50 करोड़ रेंट हम लोग तुझे 1 महीने का देंगे। क्या बात करे, 50 करोड़ और भाई कैश भी हम लोग को मिल गए, तो हम लोगों ने तो डील तो फाइनल कर दी भाई। 50 करोड़ जैसे इसने इसके मुँह से निकाला मैंने तो भाई सीधा हाँ बोल दिया और भाई 50 करोड़ लेके हम लोग अभी निकल रहे। अब फ्रैंकलिन इसमें से पूरे के पूरे 20 करोड़ मेरे। अबे चल, और अब चल क्या चल, 20 करोड़ मेरे, मैंने तेरे को ये डील दिलवाई है। तूने डील दिलवाई है? अबे पागल हो गया क्या, 20 करोड़ चुपचाप 5 करोड़ ले और निकल इधर से। और नहीं नहीं नहीं, तेरा ना मेरा 17 करोड़ में डील डन करता है। अबे पागल हो गया है क्या, 17 करोड़ 17 करोड़ नहीं, 7 करोड़ दूंगा, फाइनल है मेरा अभी। बोल पटेगा तो ले, नहीं तो फिर जाने दे, मैं नहीं दूंगा तेरे को पैसे। नहीं फ्रैंकलिन भैया, इसको ही ना 5 करोड़ के ऊपर 2 मंथ यार, अगर कुछ ज़्यादा नुकसान हो गए तो भाई ये पैसे तो नहीं देगा, हमारा ही नुकसान होगा। तो मैं पहले बोल देता हूँ कि इसको 5 करोड़ से ऊपर मत देना। शिनचैन हाँ यार, मैं तुझसे बड़ा हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, तू ज़्यादा ज़्यादा बात मत कर। मैं कर रहा हूँ ना डिसाइड यहाँ पर।
तो भाई देख, मैं तुझे अभी 7 करोड़ फाइनल दे रहा हूँ, तो बोल तुझे क्या कहना है। और नहीं, एक काम कर, चल 12 करोड़ में डील डन करते हैं। देख भाई, अभी तुझे मैं फाइनल बोल रहा हूँ, 10 करोड़ ना तेरा ना मेरा, डील डन कर ले। और नहीं नहीं, फाइनल मैं बोलूँ क्या? हाँ बोल बोल, कितना चाहिए तेरे को बोल। फाइनल तो मुझे लगता है 11 करोड़ में मैं डील डन करूँगा, ना तेरा ना मेरा। देख भाई, ज़्यादा मत बोल, 10 करोड़ ले और चुपचाप घर पे बैठ। अभी मैं, मुझे घर पे जाना है, सारी मुझे यहाँ पे तैयारी करनी है, और भाई सारा का सारा सामान जो है मेरा एक रूम में शिफ्ट करना है। शिनचैन चॉप मेरा सबका सामान एक रूम में शिफ्ट करना है, क्योंकि यार पुलिस वाले किसी भी वक्त वहाँ पे आ सकते हैं। और क्या लगता है, क्या पता आ भी गए होंगे, क्योंकि यार उनका तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो तो अभी भी आ भी गए होंगे। तो तू चुपचाप यहाँ पे 10 करोड़ ले और तू कल्टी मार यहाँ से। अच्छा ठीक है भाई, 10 करोड़ ही दे दे, बट मैं तेरे साथ घर पे आऊँगा। मेरे साथ घर पे आके क्या करेगा वहाँ पे? क्या तू खाना खाने के लिए लेके जा रहा क्या मैं तुझे वहाँ पे? हम लोग बस साफ सफाई करने वाले हैं भाई, जो थोड़ा बहुत मैं से मेरा घर हो चुका है तो उसको साफ सफाई करूँगा, मेरा सामान है शिफ्ट करूँगा। तो अगर तू मेरे काम, मेरे साथ काम में हेल्प करेगा तो मैं तुझे लेके चलता हूँ। और ठीक है ना, मैं कर दूंगा ना हेल्प, इतनी भी क्या बड़ी बात। अबे ये ट्रक हमारे घर की तरफ ही तो नहीं जा रहा भाई, ये कुछ कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चल रहा है, बट हमारे घर की तरफ। एरी फ्रैंकलिन भैया, नहीं नहीं, वो हमारे घर के पास, वो डोरेमोन के घर का काम चल रहा है ना, वो वहीं पे वो गाड़ी जा रही है। अच्छा, तुझे बड़ा पता होता है भाई। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, मैं वहाँ पे घूमता रहता हूँ ना, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो तेरा क्या मतलब है कि मुझे कुछ पता नहीं होता है? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना बोल रहा हूँ। अरे आप चलो ना घर पे, हम लोग को साफ सफाई करनी है। अच्छा ठीक है भाई, चल रहा हूँ मैं घर पे, बट ज़्यादा है ना बोलने का नहीं, समझ जाए ना, किसी के सामने ज़्यादा बोला मत कर तू वैसे। फाइनली हम तो आ चुके हैं घर पे, बट वेट यार, ये क्रेन मेरे घर के ऊपर करके, अब इन लोगों, अब ये क्या कर रहे हैं यार, इनको तो मैंने, अबे ये कब बात हुई थी अपग्रेड करने की यार, ये हमेशा का होता है। अरे सर, मैंने अपग्रेड का कब परमिशन दिया सर आप लोगों को, वैसे ये क्या चीज़ कर दिया। अरे ऐसे क्या बात कर रहा है, तुझे 50 करोड़ किस लिए दिया? हम लोग के तेरे घर के अंदर रखेंगे प्रिजनर, प्रिजन तो बनाना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फटाफट अपग्रेड हो जाएगा आज के दिन में। अरे यार ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई यार, ये हमेशा का होता है। FIB वालों ने भी यही किया था, हॉस्पिटल वालों ने भी यही कहा था, और पुलिस वालों ने भी यही किया था यार पिछली बार, बट अभी ये प्रिजन के लिए अभी यही कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है सर कर दो आप, बट अच्छे से करना, ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए मेरे घर का। और देखो अगर कूड़ा कचरा गिरेगा ना इस कंस्ट्रक्शन का मेरे घर के अंदर भी थोड़ा बट, तो मैं इसके एक्स्ट्रा चार्जेस करूँगा। और अच्छा ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज कर लेना, बट तेरे को 30 दिन के बाद जैसे का जैसा घर तुझे मिल जाएगा, क्योंकि 30 दिन के बाद हमारा नए प्रिजन का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों ने बाहर से बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वर्कर मंगाए, जो भाई 15 दिन के अंदर काम पूरा करेंगे, और 15 दिन हम लोग वहाँ पर सर्वे करेंगे, ठीक है? तो तुझे 30 दिन के अंदर घर मिल जाएगा, बस 30 दिन के लिए हम लोग ये घर रेंट पर ले रहे हैं। अच्छा सर ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे मैं चेक कर लूँ क्या बाकी का क्या यहाँ पे चल रहा है क्या नहीं। तो लमार देख भाई, यहाँ पे तू मेरा सामान जो है उठा ले, और शिनचैन तू भाई तू कुछ मत कर, तुझसे नहीं हो पाएगा। वैसे फ्रैंकलिन तेरे पास एक काम भी है यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये प्रिजन लेके जाने वाली बस है वो भाई उसका एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि वो बस लेके भाग रहे थे तो एक्सीडेंट हो गए, वहाँ पर जाना है और वो प्रिजनर्स को लेके आना है। अब यार अभी ये क्या नया नाटक है। अरे सर किसी और को भेजना। अरे नहीं फ्रैंकलिन, तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, तेरा हम लोगों ने बैकग्राउंड चेक किया है, तो तू ही ये काम बड़ी आसानी से कर सकता है। वैसे तूने FIB का काम भी बहुत अच्छे से किया था, पुलिस वालों का काम भी किया था, और मैंने सुना है कि तू एक बार आर्मी का सीक्रेट एजेंट भी बन चुका है, और प्रेसिडेंट की भी जान बचा चुका है, तो इसलिए हम लोग तेरे पर ट्रस्ट करते हैं। तो फटाफट से जा उस लोकेशन पर, और वो प्रिजनर्स है उस प्रिजनर्स है उनको लेके आ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रिजनर्स है, और ये काम तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। हाँ भाई वो तो है कि मेरे अलावा ऐसे डेंजरस काम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ही सब लोगों को बकरा मिल जाता हूँ भाई, पैसे तो मैं पैसे देते और ऊपर से काम भी करवाते हैं यार। मैं सोच रहा हूँ भाई क्यों ना मैं अभी ऐसा काम अगर मुझे बोलेंगे तो भाई मैं इसका एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा, पर काम का 1 या 2 करोड़ में तो चार्ज करूँगा, क्योंकि यार ये तो बहुत ज़्यादा हेडेक का काम हो जाता है यार। ठीक है यार, FIB की मदद की हम लोगों ने, ठीक है प्रेसिडेंट की जान बचाई क्योंकि वो मेरा दोस्त ही था, तो ठीक है मैं उसका सीक्रेट एजेंट बन गया आर्मी वालों का, और भाई हमारे माइकल की जान बचा दी। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे ना भाई, FIB वाले पुलिस वाले, और भाई मैंने प्रेसिडेंट की जान बचाई थी मतलब माइकल की, तो भाई जाओ फटाफट से चैनल पे और वो वीडियोस देख लो, आप लोग को सारी की सारी लिंक लग जाएगी। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा ना मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो आप लोग को लिंक लग जाएगी। तो वैसे भाई यहाँ से लोकेशन तो बहुत ज़्यादा दूर है, बट यार मुझे ये बात समझ नहीं है अभी तक, मतलब यार प्रिजनर्स भाग जाते तब तक ये लोग करते क्या है यार,
मतलब देखो यार, वो जो मेन प्रिजन है लॉस एंडस का, वहाँ पे भाई आग लग गई तो सारे के सारे प्रिजनर्स भाग गए। अभी एक बस में प्रिजनर्स लेके आ रहे थे तो भाई वो बस उन्होंने मतलब कब्जा कर लिया और भागने लग गए और वो बस का एक्सीडेंट हो गया। भाई ये कर क्या रहे यहाँ पे, ये कर क्या रहे, मुझे यही नहीं समझ आ रहा है। अभी मुझे एक बात बताओ, इन लोगों ने 10-12 घर रेंट पे लिए, अलग अलग घरों में यार ये प्रिजनर्स रखेंगे तो भाई कितनी ज़्यादा परेशानी होगी। वैसे लोकेशन यही का दिखाया ना, यही का भाई, ये देखो यहाँ पे ही भीड़ मुझे दिखाई दे रही है और ये सामने प्रिजनर्स भी है। भाई इस पे से दो तो नीचे गिरे हुए हैं, दो ने सरेंडर कर दिया। बाकी कहाँ पे भाई, बाकी कहाँ पे, बाकी भाग गए क्या भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग। ये देखो ये यहाँ पे पड़ा, अबे गलती से डॉक्टर को मार दिया मैंने यहाँ पे। कोई बात नहीं, उठ जाएगा थोड़ी देर पे, उठ जाएगा। बट ये देखो ये एक पड़ा हुआ है और गाड़ी भी पलटी हुई यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे तो बहुत खतरनाक सिक्योरिटी वगैरह दिखाई दे रही है, एम्बुलेंस वगैरह है, पुलिस वाले आ गए। भाई ये दोनों को सरेंडर करने को ले बोल दिया, हेलो सर मैं हूँ फ्रैंकलिन इंग्लैंड और मुझे ये प्रिजनर्स को लेके जाने के लिए ऑर्डर दिया है। अरे हाँ हाँ पता है, मुझे आया था कॉल, तो तू ये इनको सही सलामत लेके जाएगा ना। अरे हाँ सर टेंशन मत लो, वैसे मेरे बारे में तो तुम लोग को तो पता ही होगा। अरे हाँ पता है, वैसे उस ऑफिसर ने मुझे बताया, तो बस इनको सेफ लेके जा। अच्छा ठीक है सर, मैं इस वाली क्या बोलते हैं एम्बुलेंस के अंदर लेके जाता हूँ, तो फटाफट से किसी एक बंदे को भेज दो। भाई ये तो ऑलरेडी मेरे साथ एक ऑफिसर भेज रहे, तो मैं अभी भाई घर पे निकलना है और इन प्रिजनर्स को मुझे मेरे घर के पास। अभी मुझे लगता है कि वैसे यार एक प्रिजन वगैरह तो बन चुका होगा, तो उसके अंदर इसको इनको रखेंगे, क्योंकि मुझे जो घर पे पास जो ऑफिसर है उसने मुझे ऐसा बोला है कि भाई इन प्रिजनर्स को लेके मेरे घर पे जाना है। अच्छा तो ठीक है मेरे घर पे जाना है, तो इसका मतलब ये है कि भाई वहाँ पे वो जो प्रिजन है वो बन चुका होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि भाई ये लॉस सैंटोस के बाहर है और हम इतनी दूर आए हैं, इतनी दूर भाई, यहाँ तक तो मैं कभी छुट्टी के दिन भी नहीं आता, इसके लिए आना पड़ रहा मुझे यहाँ पे। कोई बात नहीं, चलो यार फटाफट से घर की तरफ चलते हैं, लेट्स गो। दो मिनट के अंदर हम लोग घर पर पहुँच जाएंगे और ये जो दो प्रिजनर्स हम लोग लेके आए उनको भाई दे देंगे पुलिस वालों को, और भाई उसके बाद हम हो जाएंगे फ्री। उसके बाद हम लोग को कुछ करना नहीं होगा, इतना ही करना है बस। अभी 30 दिन मुझे आराम से बैठ के खाना है, सोना है, उतना ही करना है, क्योंकि पैसे भाई बहुत ज़्यादा हो गए हमारे पास, 40 करोड़ आ चुके हैं। सोचा आप लोगों ने, 40 करोड़, वो भी एक महीने का। अगर भाई पूरे साल के लिए हम लोग रेंट पे देते तो कितना होता, लगभग 4 करोड़ 80 लाख, नहीं 40 करोड़ 80 लाख के आसपास होता मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। तो ये तो भाई, अबे 40 करोड़ नहीं भाई, 400 करोड़ होते, 400 करोड़ के ऊपर भाई, नहीं 400 करोड़ नहीं, 480 करोड़। यार मैं क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ यार, यहाँ पे मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया है भाई आज तो, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा तो कभी होता नहीं मेरे साथ कि मेरे कैलकुलेशन गलत हो जाते। भाई मैंने वो एम्बुलेंस भी वहीं पे लगा दी, बट अभी मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है और वैसे शाम भी हो रही है। तो भाई शिनचैन चल फटाफट हम लोग खाना खा के दे। सर साइड में हटेंगे, गाड़ी के पास मत खड़े रहो, और ये इस तरह से मेरे साथ बात मत करो, मेरे घर पे आके मेरे से इस तरह बात मत करो। तो भाई शिनचैन तू बता क्या खाएगा आज, बहुत मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई, और तेरी आरसी टॉय ना हम आज नहीं भाई कल लेंगे, ठीक है ना, कल लेंगे। वैसे मुझे ना फ्रैंकलिन भैया बर्गर और पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन हो रहा है, बट यार ये गलत बात कर रहे हैं आप लोग। आप वहाँ पर मतलब मुझे आज ही चाहिए थी गाड़ी, क्योंकि मैंने तो आज ही साफ की थी ना आपकी वो लैम्बोर्गिनी। ओ लैम्बोर्गिनी से याद है, यहाँ वो लैम्बोर्गिनी कहीं कहाँ पर है। अबे वो पुलिस वाले, अबे पुलिस वाले लाने वाले थे यार, अबे अबे क्या कर दिया हम लोग, तो वहीं पे मैं तो वहीं पे लैम्बोर्गिनी भूल गया भाई। मैं चलता हूँ भाई घर पे, चलते हैं। वैसे भाई मैंने तो खाना तो यहाँ पर खा लिया, हम लोग घर पे चलते हैं जल्दी जल्दी। मैं भागता हूँ भाई, मेरी 40 करोड़ की लैम्बोर्गिनी का भाई, इस 40 करोड़ के चक्कर में 40 करोड़ की लैम्बोर्गिनी गवा दी यार मैंने, ये क्या कर दिया यार। फटाफट चलता हूँ घर पे, पुलिस वालों को बोलता है कि मेरी लैम्बोर्गिनी लेके आए साथ में। भाई बहुत मुश्किल से वो लैम्बोर्गिनी मुझे मिली थी यार, कस्टमाइज़ करवाई थी मैंने पर्सनली मैंने कस्टमाइज़ करवाई थी सिमियन के गराज पे, और भाई अगर वो नहीं मिली तो 40 करोड़ का लॉस होने वाला है हम लोगों को भाई। इस 40 करोड़ के चक्कर में 40 करोड़ का लॉस करवाता बैठूंगा मैं यहाँ पे। पर कोई बात नहीं, पुलिस वाले तो अब हमारे यार, हम लोगों के दोस्त हैं, हम लोगों उनको बोल देते हैं और पूरे के पूरे 40 करोड़ भी मिल जाएंगे। वैसे 2 मिनट के अंदर वैसे भी हम लोग घर के पास पहुँचने ही वाले हैं। अभी तो मुझे यहाँ पे भाई कोई भी इन लोगों ने प्रिजन बना दिया शिनचैन, देख प्रिजन बना दिया, और भाई क्या लुक दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। भाई एम्बुलेंस का सायरन तो बंद कर भाई, एम्बुलेंस का सायरन तो बंद कर, ये क्या है
यहाँ पर गाड़ी पार्क कर देता हूँ भाई, वहाँ पर जगह नहीं रहेगी। वैसे अभी मैं एक मिनट आप लोग को ना ऊपर जाके दिखाता हूँ भाई, ऊपर यहाँ पर पहाड़ के ऊपर जाके दिखाता हूँ मेरा घर कैसा दिख रहा है। ओ हो भाई बढ़िया, क्या सही प्रिजन बना दिया यार इन लोगों ने। और ये जो वाइट कलर की वॉल ऐसे क्यों लगाए इस साइड पे? अबे नहीं, इधर क्यों लगाएंगे यार? वो जेल का जो दरवाज़ा गेट होता है वो इधर क्यों लगाएंगे? उसी साइड लगाएंगे। सही सही से लगा दिया यार। वैसे क्या बढ़िया घर दिख रहा है मेरा, मतलब ऐसा मॉडिफाइड कस्टमाइज़ करने मतलब दिख रहा है ना यार। मेरा तो अभी खुद का मन होगा कि भाई मैं इसको कस्टमाइज़ करूँ, मेरा घर पूरा का पूरा अपग्रेड करवा दो। तो भाई नेक्स्ट कुछ तो वीडियोज़ बनाएंगे ना, नेक्स्ट कभी भी मैं वीडियो बनाऊंगा ना तो घर पूरा को पूरा अपग्रेड करूंगा, इतना सुपर अपग्रेड करूंगा ना तो भाई देखते रह जाओ। अब भाई ये देखो इनको तो भाई कैसे, मतलब यहाँ पे एक गेट भी लगा दिया, उसके ऊपर एक और गेट लगा दिया, भाई सही है। चलो भाई वैसे मैं यहाँ पे प्रिजन देख लेता हूँ। ये देखो प्रिजन भाई, देख सकते हो क्या तगड़ा प्रिजन यहाँ पे बनाया है भाई। ओहो हो हो बढ़िया दिख रहे भाई, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। वैसे अभी रात हो गई है तो सोने का टाइम भी हो गया है, तो शिनचैन चल सोते भाई, कल सुबह उठना है। तो सर हो गया काम? और वो आपके प्रिजनर कब आने वाले सुबह? अच्छा सुबह 9 बजे आने वाले हैं, तो ठीक है फिर यहाँ पे अभी आप ही रहोगे या कोई आएगा? अच्छा ठीक है फिर आप ही रहो, फिर मैं चलता हूँ भाई। सुबह 9 बजे आने वाले ये लोग, मतलब जो प्रिजनर्स हैं वो सुबह 9 बजे आएंगे, तो अभी मैं जानता हूँ भाई सोने के लिए। वैसे अभी हमारे पास काम ही क्या है, सोना खाना सोना खाना भाई। वैसे एक बात मैं बता दूँ, मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ एक चीज़ से भाई, रात को हमारा लॉस एंटस कितना प्यारा दिखाई देता है यार, कितनी सही लाइटिंग्स वगैरह दिखाई देती है। वैसे मैं भाई गलती से स्विमिंग पूल के अंदर तो गिर गया, बट अभी मुझे बाहर निकलना है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी बाहर निकलते हैं, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है बाहर। तो भाई मैं ये बात कर रहा था कि रात के वक्त हमारा लॉस एंटस क्या प्यारा दिखता है भाई, मैं इसके तो प्यार में पड़ चुका हूँ। लॉस एंटस के क्या लाइटिंग्स वगैरह दिखती है और बहुत बढ़िया। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो भाई चलो मैं सोता हूँ, मिलता हूँ कल सुबह। गुड नाइट मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 9 और मैं यहाँ पर भाई देखता हूँ ये लोग आ चुके है या नहीं। वैसे तो मुझे कल ऑफिसर ने रात को बोला था कि भाई सुबह 9 बजे तक प्रिजनर्स आ जाएंगे, तो फटाफट से मैं जाके देखता हूँ कि सारे के सारे प्रिजनर्स आए हैं या नहीं। वैसे मुझे कुछ पुलिस वाला तो दिखाई दे रहा है, और पुलिस वालों की गाड़ी भी दिखाई दे। अब भाई साहब यहाँ पर तो पूरी की पूरी गैंग है भाई पुलिस वालों की। ये देखो ये 2 बस जो है वो प्रिजनर्स को लाने के लिए होती है। और ये क्या चीज़ है भाई, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई यार, ये क्या चीज़ है? ऊपर भी कुछ दिखाई, एक मिनट में बैठ के देखो कि यार ये क्या चीज़ है ये। अबे ये तो फायर फाइटर है भाई पुलिस वालों का। ठीक है भाई कोई बात नहीं, इसके अंदर से पानी निकल रहा है। और यहाँ पे पुलिस वालों की गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा है, और पुलिस वालों की सिक्योरिटी। वेट ऊपर देखो ऊपर। अबे इधर नहीं बे, अबे शिनचैन इधर आ जल्दी जल्दी। और भाई ये देखो कितनी टाइट सिक्योरिटी। ओ भाई सारे के सारे चिंदी प्रिजनर्स आ चुके हैं। ये चिंदी प्रिजनर्स है भाई, कभी चुराते हैं बर्गर, कभी चुराते हैं चप्पल, कभी क्या कभी। अबे कितना छोटा छोटा काम, कभी बटवा चुराते हैं, कभी चप्पल चुराते हैं भाई, कितनी चिंदीगिरी करते हैं। और चिंदीगिरी करते वक्त तुम लोग यहाँ पे आ जाते हो यार, क्या ही काम करते हो, इससे अच्छा तो मेहनत कर लो, खाना 2 वक्त का खाना मिल जाएगा यार। क्या 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 चोर बनोगे रे तुम लोग, इतनी चिंदी चीज़ें चुराते हो और जेल में आ जाते हो। छोड़ो यार इनको, मैं चलता हूँ भाई नीचे। और भाई यहाँ पे तो बहुत बढ़िया सिक्योरिटी राइड करके रखी यार, मैंने सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और ये 2 लोग यहाँ पे भाई, ये मैंने कल लेके आया था ना यही है। चलो इनसे पूछता हूँ भाई इन्होंने क्या चुराया। हाँ तो भाई बता क्या चुराया तुम लोगों ने, और ये जेल की हवा कैसे लग रही तुम लोगों को? क्या बात कर रहे हो यार सच में। अब भाई एक ने बर्गर चुराया और एक ने पिज्ज़ा चुराया, उसके चक्कर में ये यहाँ पे दोनों पड़े हुए हैं भाई। क्या अलग अलग ही स्वैग चल रहा है इन लोगों का यहाँ पे भाई। इनको लाने के लिए मुझे बोला आया था भाई, किसी टैक्सी को बोल देते भाई तो टैक्सी में आ जाते हैं। वैसे यार ये ऊपर भी है ना बहुत सारे। चलो यार इनसे बात करते हैं यार, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या क्या चुराया। तो मैं चलता हूँ भाई सीधा ऊपर, बट ये फिर से यहीं पर क्यों आ रहा है? क्या खाना चाहिए? खाना मेरे को मत बोलो भाई, मैंने कुछ ठेका नहीं लेके बैठा हूँ यहाँ पे। ये इनको पूछो, ये बोलेंगे, ये ऑफिसर देखो इनको बोलो, हाँ मेरे को मत बताओ कुछ। ठीक है तो चलो यार ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके बात करते हैं इन लोगों से। वैसे मैं इनसे बात करूँ यार, इनसे बात करता हूँ, बट अरे यार यहाँ पे मैं उधर साइड जाऊँगा कैसे यार? एक मिनट में फिर से ट्राई करता हूँ, हाँ फिर से जाने का ट्राई करता हूँ यहाँ पे।
और ये मैं बात कैसे करूँगा इनसे भाई, इनका तो मुंह तक मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा। हाँ भाई, यहाँ क्या मैं पार्कर चैलेंज खेल रहा हूँ क्या यार, बार बार गिर रहा हूँ? तो कोई बात नहीं, ये जो सबसे बड़ा प्रिजन है ना, वहाँ पे जाके बात करते हैं इन लोगों से, इन लोगों ने क्या चुराया। तो भाई इससे बात करते सबसे पहले। हाँ भाई, क्या चुराया? चप्पल वप्पल चुराई क्या तूने? हाँ, तूने भी बर्गर पेर कर। ओ भाई भाग इधर से। अबा ये भाग भाई, भाग 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 भाग। ये तो भाई, ये तो बोल रहा है इसने कम से कम 150 मर्डर किए यहाँ पे लॉस एंटोस में। अब भाई ये तो बहुत ही तगड़ा वाला प्रिजनर निकल गया। अरे सर, ये सच बोल रहा है क्या? अच्छा भाई, इसने ये तो सच में बहुत बड़ा प्रिजन मतलब यहाँ पे कह दिया भाई। एक मिनट, में किसी और से पूछता हूँ, यहाँ पे किससे पूछूँ। हाँ तो भाई, ओ काली टी शर्ट वाले भाई, तूने क्या चुरा? क्या भाई, इसने पूरी की पूरी ट्रेन में डाका डाला था, पूरी की पूरी ट्रेन इसने चुराई थी भाई। क्या बड़े बड़े प्रिजनर्स यहाँ पे, इनसे पूछता हूँ मैं। हाँ भाई बता, तूने क्या किया था भाई? वैसे ये तो भाई बहुत बड़े चोर मतलब चोर उचक्के डाकू बाकू सबसे बड़े मुझे दिखाई दे रहे यार। मैं तो सोच रहा था ये चिंदी चोर होंगे यार। इससे पूछता हूँ भाई ये, हाँ भाई तुम लोगों ने क्या किया यहाँ पे? अबे तुम ही हो क्या वो लोग? अबे भाई ये जो हमारे लॉस एंटोस में पिछली बार बड़ी बड़ी सुपर कार्स जो चोरी हो रही थी सबसे महंगी, तो ये पूरी की पूरी गैंग वही है। कम से कम इन लोगों ने 1000 गाड़ियाँ चुराई ऐसे बता रहे हैं। तो सर बात ये सच है क्या? भाई ये बात सच है, ऑफिसर भी बोल रहा है कि ये पूरी की पूरी गैंग है जो कि भाई पूरे मतलब लॉस सेंटर्स में सारी की सारी सुपर कार चुराते। भाई ये तो अच्छा हो गया कि मेरे लैम्बोर्गिनी अभी भी यहाँ पे नहीं है, नहीं तो भाई ये छूटते ही यहाँ से मेरी गाड़ी चुरा लेते भाई। वैसे कोई बात नहीं, चलो यार मैं अभी इन पुलिस वालों से बात कर लेता हूँ, चाय भाई की इंतजाम कर देता हूँ यार, पुलिस वालों से अच्छी बना के रखता हूँ यहाँ पे। हेलो सर, चाय पियोगे? अच्छा ठीक है, चाय। हाँ ठीक है सर, चाय आपकी चाय। हेलो सर, चाय पियोगे? ओके सर ठीक है। हाय सर, चाय पियोगे? अच्छा कॉफ़ी पियोगे? ओके सर। सर चाय पियोगे कॉफ़ी पियोगे? कुछ भी नहीं। ओके ठीक है, तो इनसे तीनों से पूछ लेता हूँ भाई ये यहाँ पे खड़े। सर चाय पियोगे कॉफ़ी के? अच्छा ठीक है चाय। सर आप? अच्छा ठीक है भाई, इन सारों को चाय चाहिए, अभी तक तो एक ही बंदा है जिसको कॉफ़ी चाहिए। तो सर तुमको चाहिए चाय? चाय भाई शिनचान कम से कम 25-30 चाय बोल दे यार, फटाफट बोल देने भाई, मेरे को ही बनानी पड़ेगी। तो भाई मैं यहाँ पे चाय बना के इन लोगों को पिला देता हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो इन लोगों की चाय पी के तो हो चुकी है यहाँ पे। वैसे पहला दिन तो भाई ख़त्म हो गया, मैं जाता हूँ सोने के लिए, क्योंकि यार पहला दिन बहुत ही ज़्यादा शांत रहा। बट भाई हम लोग को पता तो चल गया कि बहुत खतरनाक यहाँ पे ये है, बट आज उठे भाई सेकेंड डे, तो सेकेंड डे को मैं देखता हूँ क्या हाल चाल है यहाँ पे। तो भाई दूसरे दिन भी बहुत ही सही हाल चाल है, तो चलते हैं भाई फिर से सोने के लिए और मिलते हैं कल तीसरे दिन। तो आज है तीसरा दिन और तीसरे दिन में भी मुझे बहुत कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम भाई ठीक ठाक है यहाँ पे। और आज फिर से चौथा दिन और चौथे दिन भी यहाँ पे मुझे सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो भाई अभी तो मिलेंगे सीधा अपन 30 दिन के बाद, क्योंकि 30 दिन के लिए हम लोगों ने रेंट पे दिया है ना, तो 30 दिन के बाद ही भाई ये सारे के सारे चले जाएंगे, तब हम लोग मिलते हैं। तो भाई 30 दिन बाद, तो आज है आखिरी दिन और भाई आज के दिन पूरा का पूरा घर खाली हो जाएगा। बट ये क्या यार, ये ब्लास्ट कहाँ से हो रहे यहाँ पे? अबे ये, अबे एक मिनट, ये पुलिस वाले यहाँ पे, अबे गाड़ी, अबे ये क्या हो रहा है भाई? सारी की सारी गाड़ी और प्रिजन कहाँ पे गया भाई? सारे के सारे प्रिजनर्स यहाँ से भाग गए भाई, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई यहाँ पे। सारे के सारे प्रिजनर्स भाग गए भाई यहाँ से, और सारी की सारी गाड़ियाँ भी ब्लास्ट हो चुकी है, सारे के सारे पुलिस वाले भी गिर चुके हैं भाई। अब तो मेरा कुछ यहाँ पे खरा नहीं है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मेरे घर के ऊपर थे भाई, सारे के सारे भाग चुके हैं ये देखो, और सारे पुलिस वाले, ये क्यों खड़ा है भाई तू क्यों खड़ा है? तुझे तो मैं मारूंगा, तुम्हारी वजह से मेरा घर भी खराब हो गया। सारे के सारे पुलिस वाले भाग गए और इनके टारगेट पे भाई मैं आ चुका हूँ। ये देखो यहाँ पे सारी की सारी गाड़ियाँ जल चुकी है भाई, बहुत बड़ी मुसीबत यहाँ पे भाई। अभी मुझे मैं क्या करूँ यहाँ पे? अरे फायर फाइटर और जल्दी जल्दी आग बुझाओ, मेरे घर को आग लग जाएगी, नहीं तो जल्दी 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 करो भाई यहाँ पे। ये देखो एम्बुलेंस भी चल चुकी है, पुलिस वाले, अबे ये कहाँ से आ गए प्रिजनर्स मेरे को मारने के लिए आ रहे भाई ये? अबे मेरे को क्यों मार रहा है तू?
अबे मैंने घर दिया रेंट पे इसलिए मेरे को मार रहे। देख भाई मैं इतना ज़्यादा पीटूंगा ना तुम लोगों को ये। अबे रुको जाओ ना, मुझे तो मारने तो यार, मुझे तो मारने दो। ये ले मेरे को मारेगा ये। अबे मार, अबे मेरे मुंह पे मत मारो यार, मुंह बिगाड़ दोगे। बट मैं तो नहीं छोड़ने वाला भाई इनको। ये देख, ये ले मेरे को मारेगा, ये तो गया एक भाई नीचे, गया पीछे गाड़ी की तरफ वो चल गया। बट इनको तो नहीं छोड़ने वाला मैं तीनों को। ये भाई गुस्सा मत दिलाओ मुझे, मैं जाए गुस्सा मत दिलाओ, मैं ना एक मुक्के में सारों लोग सारों के सारों को बेहोश कर दूंगा यहाँ पे। बट भाई ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है, ये तो गिर भी नहीं। दो तो गए, एक ही बाकी है। इसको भी एक मुक्का मारूंगा। गया भाई, ये तो गया। बट ये क्या गोलियां चला रहा है भाई, पीछे भी थे क्या कोई? पीछे भी थे भाई। छुपो, यहाँ पे छुपो, छुपने की जगह भी नहीं मिल रही मुझे। एक मिनट, ये बस के पीछे छुपता हूँ। वैसे मेरे पास भी गन है तो भाई इनको मैं मारूंगा। ये गया, सबको उड़ाऊंगा भाई। पुलिस वालों का काम तो मुझे यहाँ पे करना पड़ रहा है भाई। ये देखो, बट ये भागे कैसे भाई? प्रिजन छोड़ के, मतलब प्रिजन से बाहर निकले कैसे ये लोग? ये जेल से बाहर निकले कैसे? यही सबसे बड़ा सवाल अभी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये तो कहे भाई, यहाँ पे ये दो ही बाकी है, ये दोनों भी कहे। ये देखो, ये सारी की सारी पुलिस वालों की गन्स ये लेके भाग गए भाई यहाँ पे। अच्छा भाई, यहाँ पे इनके पास गन्स थी तो भाई ये तो गए। ये एक बाकी है, ये पीछे खड़ा था ना, तो मुझे लगता है ये बाकी के भी ख़त्म हो गए हैं। वैसे ये भाई मेरे को लगा कोई और है यहाँ पे, बट वो भाई एम्बुलेंस नहीं फायर फाइटर थी। और भाई पीछे के साइड भी है भाई यहाँ पे, इनको भी मारना होगा फटाफट। इनको गिराता हूँ भाई नीचे, मैं बच जाऊँगा यहाँ पे। एक ये भी गया, अभी यहाँ पे ये दो ही बाकी है। ये सर पे ये बेहोश हो गया। अब भाई तू किससे पंगा ले रहा है भाई? ये भी गया। तो भाई यहाँ पे सारे के सारे प्रिजनर्स को तो मैंने मार दिया, बट यार यहाँ पे अभी मुझे पुलिस वालों को फटाफट से कॉल करना होगा और उनको बुलाना होगा कि भाई इसकी सिचुएशन के बारे में बताना होगा, क्योंकि ये बहुत ही बुरी सिचुएशन यहाँ पे हो गई भाई। सारा का सारा मेरा घर यहाँ पे गंदा हो चुका है। प्रिजनर्स भी भाग गए, पुलिस वाले भी बेहोश पड़े हुए हैं, और मेरे घर की बहुत ही गंदी हालत यहाँ पे हुई है भाई। फायर फाइटर तो आ गए, बट यहाँ पे पुलिस वाले नहीं आए। मैं वही काम करता हूँ, फटाफट उनको कॉल कर देता हूँ और यहाँ पे बुला लेता हूँ। पुलिस वाले भी आ चुके हैं यहाँ पे, और अभी तो बहुत ज़्यादा शांति है। बट सर ये कैसे हुआ, पता चला कुछ? और सर अबे क्या बात कर रहा है ये? अरे मैंने तुमको बुलाया। अबे इसको मैंने बुलाया और ये बोल रहा है और पुलिस वालों को बुलाना पड़ेगा? यार ये तो अलग ही चक्कर चल रहा है। बट एक काम करो, जल्दी साफ करो, बहुत ज़्यादा गंदगी दिख रही है मेरे घर के सामने यहाँ पे, क्योंकि यार ये गाड़ियाँ यहाँ पे जली पड़ी हुई है, ये प्रिजनर्स पड़े हुए हैं, पुलिस वाले बेहोश पड़े हुए हैं। भाई क्या करना है यहाँ पे, फटाफट सोचो और ये हटाओ यहाँ से सारी की सारी गंदगी। बट वेट, ये तो बेहोश था, ये उठ गया भाई। इससे पूछता, हेलो सर क्या हुआ था बताओ मुझे। अबे भाई एक गलती इतनी महंगी पड़ गई इन लोगों को भाई। ये खाना देने गया था प्रिजनर्स को, तो गलती से इससे जो गेट होता है जहाँ पे मतलब ये खाना देने गया था, वो गेट खुला रह गया। तो भाई सारे के सारे प्रिजनर्स बाहर आ गए और इन पे अटैक कर दिया भाई। सारा का सारा चौपट हो गया। आज तो लास्ट डे था भाई, आज के दिन तो रुक जाते भाई, आज ही होना था क्या? मेरा घर तो अच्छा खासा मुझे मिल जाता, बट अभी तो मुझे सारी की सारी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। बट ये मैं नहीं करूँगा, ये मैं लमार से करवाऊँगा, क्योंकि अब मैं इसका कुछ भी नहीं करने वाला। वो देखो मेरे गराज का दरवाज़ा तक ख़राब कर दिया भाई साहब, ये करो कुछ ना कुछ करो। तो भाई बिजनेस तो मैं अभी आगे से घर के पास तो नहीं करने वाला हूँ भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस होता है यहाँ पे, तो आगे से तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा। वैसे आप लोग को ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर दो, ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो आप लोगों को सुबह 9 बजे मिलते रहेंगे हर दिन। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।